नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नमिता और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल सुजाता एसोसिएट में। दोस्तों, जो लोग एनजीओ चलाते हैं या फिर जिनके पास एनजीओ रजिस्टर किया हुआ है, हो सकता है कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन है, जो कोई भी एनजीओ आपके पास है, तो आपको पता होना चाहिए 12A ATG के बारे में। या फिर जो लोग डोनेशन के लिए 12A ATG सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको उसका कंप्लायंस के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। तो 12A ATG का क्या कंप्लायंस होता है, कौन से टाइम में करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आज के वीडियो आप एंड तक देखिए। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, 12A एंड 8TG सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि आपका जो एनजीओ है उसको टैक्स एग्जाम्पशन कराने के लिए आपको 12A चाहिए एंड जो डोनर्स है उसका डोनेशन रिसीव करने के लिए आपको 8TG सर्टिफिकेशन चाहिए। तो डोनेशन मिलने के बाद एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर एंडिंग होने के बाद इसका कंप्लायंस फाइल किया जाता है। तो 12A एंड 8TG कंप्लायंस फाइल करने के लिए 10BD एंड 10BE ये दो कंप्लायंस फाइल किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें आपको, 10BD जो होता है दोस्तों, ये आप जितना भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं उसका एक एनुअल स्टेटमेंट है। एंड 10BE जो होता है दोस्तों, आपका ये कंप्लायंस फाइलिंग करने के बाद सक्सेसफुल होने का एक एक्नॉलेजमेंट है, या फाइल कंप्लीट करने का एक एक्नॉलेजमेंट है। तो 10BD फाइलिंग करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट, जितने भी डोनर्स है, मतलब आप एक फिनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेके फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक आप जितना भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं उसका पूरा लिस्ट चाहिए। मतलब डोनर्स जो है उनका नेम चाहिए, उनका आईडी प्रूफ चाहिए, मतलब आधार कार्ड चाहिए, फिर पैन नंबर चाहिए। दोस्तों मत भूलिएगा, पैन नंबर मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये फाइलिंग जो है इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू किया जाता है, तो पैन नंबर मैंडेटरी होता है। तो पैन नंबर, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस डोनर का इम्पोर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन के एंड से क्या चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जहां पे पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल मिल सके कि क्या क्या डोनेशन आप रिसीव किए हैं। एंड जो डोनेशन आप कैश के थ्रू रिसीव करते हैं उसका रिसिप्ट होना मैंडेटरी है। एंड रिसिप्ट का सीरियल नंबर भी मेंटेन कीजिएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मेंटेन कीजिएगा। एंड एट लास्ट आपको जो चाहिए वो है एक डिजिटल सिग्नेचर, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक जन ऑथराइज मेंबर का डिजिटल सिग्नेचर होगा, जिनको इन शॉर्ट हम लोग DSC भी बोलते हैं। एंड जो फंड आप डोनेट करते हैं दोस्तों, उसका भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि वो फंड कॉर्पस है या नॉन कॉर्पस है, ये भी मेंशन करना मत भूलिएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप दे देते हैं तो आपका 10BD फाइलिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। एंड 10BD जैसे ही फाइलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जनरेट होता है 10BE, मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, या कंप्लायंस फाइलिंग कंप्लीट होने का एक एक्नॉलेजमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही मिलेगा। तो 10BD एंड 10BE ये दो कंप्लायंस फॉर्म अगर आप फाइल करते हैं तभी जाके आपका 12A एंड 8TG का कंप्लायंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग फाइल करना मत भूलिएगा। मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देती हूँ, जैसे कि ईयर एंडिंग अभी खत्म हुआ है, 31 मार्च खत्म हुआ है, तो 1 अप्रैल से फाइलिंग करना स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट है 31 मई। दोस्तों मत भूलिएगा, 31 मई लास्ट डेट होता है 10BD एंड 10BE फाइलिंग करने का। एंड ये फाइलिंग कंप्लीटली किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल में, आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, यही साइट से आपको फाइलिंग करना है। एंड अगर आप ये टाइम भूल जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपको पर डे 200 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं पर डे 200 रुपीज बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। आप लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ मतलब आपका हो सकता है सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन एजेंट, तो एनजीओ अगर चलाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आप अगर पेनल्टी भरते हैं दोस्तों तो बहुत ही लॉस वाला चैप्टर है। तो ऐसा मत कीजिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको टाइम टू टाइम फाइलिंग करना चाहिए एंड पेनल्टी फ्री रहना चाहिए। फिर भी अगर अभी अभी आपका कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चन है, तो इन डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सुजाता एसोसिएट, दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर बिलो कॉमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं आपका क्वेरीज। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड
सुजाता एसोसिएट में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच सुजाता एसोसिएट्स। नेक्स्ट स्टेप टू योर बिजनेस।